है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, इस महीने हम विश्वास योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं और हमने जाना है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हर परिस्थिति में वो विश्वास योग्य है और हमें भी विश्वास योग्य बनना है। और आज हम जानेंगे कि जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य होते हैं, तब हम परमेश्वर हमें आशीषित करता है। यस यस रिबेका, अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि जब मेरे पास बहुत सारा संपत्ति आएगा या बहुत सारा चीज़ परमेश्वर जब मुझे सौंपेगा तब मैं विश्वासु होऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन तो बिल्कुल अलग विपरीत बात करता है, कहता है कि हमें छोटे में विश्वासु होना है। जब हम छोटे में विश्वासु होंगे तब जाकर के परमेश्वर हमको अधिक सौंपेगा। जी बिल्कुल, अक्सर जीवन में जब छोटी छोटी चीज़ों में हम नकारात्मक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम शॉर्टकट्स अपनाते हैं और हम अपने कामों को सही तरीके से नहीं करते और सोचते हैं कि क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा करने से। लेकिन नहीं, परमेश्वर है जो हमें देख रहा है, वो हमारे मन को जानता है, हमारे दिल को जानता है। शायद लोग ना देखें, शायद लोग हमारे कामों को ना सराहें, लेकिन परमेश्वर है जो देख रहा है, उसकी नज़र हम पर है। और जब हम छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य होते हैं तो वो हमारे जीवन को आशीषित करता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो आपको ये संकल्प करना होगा कि आप थोड़े में जो प्रभु ने आपको सौंपा है उसमें आप विश्वास योग्य खड़े होंगे। दोस्तों आइए आगे बढ़े और आज की कहानी में हम आपको मिलाने जा रहे हैं क्रिस्टोफर डिसोजा से, जिन्होंने परमेश्वर ने खास दर्शन दिया, एक खास मार्ग दिया चलने के लिए। जब वो इस मार्ग पर चले, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, बहुत सारे चैलेंजेस का रोज सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, निराश नहीं हुए और वो वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ चलते रहे। परमेश्वर का हाथ उन्होंने हमेशा थामे रखा और आज परमेश्वर ने उन्हें बहुत आशीषित किया है। आइए दोस्तों, इनसे मिले, इनकी कहानी हम देखें और इनके जीवन से हम सब इंकरेजमेंट पाएं। मेरा नाम क्रिस्टोफर डिसोजा है, मैं सेंट जोसेफ स्कूल का डायरेक्टर हूँ और मेरा नियम है कि जो भी काम करना है वो ईमानदारी से करना है और यदि हम काम अच्छी तरह से करेंगे तो इसमें प्रभु की महिमा होगी। मैं और मेरी पत्नी एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक का काम करते थे। सब काम अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक मुझे नौकरी से हटा दिया गया तो मैंने और मेरी पत्नी ने, दोनों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद मेरा विश्वास था कि मैं कुछ ऐसे गरीब लोग और अंडर प्रिविलेज्ड जिनके पास साधन नहीं है उनके लिए मैं कुछ शिक्षा का साधन कर सकूं। मुझे परमेश्वर पर पूरा भरोसा था कि परमेश्वर मेरी हमेशा सहायता करेगा और इसके लिए हमको प्रयास करना था। तो मैंने और मेरी पत्नी ने मिल करके एक स्कूल खोला। उस समय हमारे पास साधन बहुत कम थे, बस ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए हमारे पास साधन नहीं था। तो मैंने एक पुराना ऑटो खरीदा और उस पुराने ऑटो में खुद चलाकर बच्चों को स्कूल में लाना चालू किया। बहुत सारी दूसरी भी चुनौतियाँ थी, जैसे बच्चों को प्रवेश के लिए उनके माता पिता, उनके अभिभावकों को राजी करना, उनको समझाना और साथ ही में उन बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ हमारे खुद के बच्चों को देखभाल करना। आर्थिक तंगी के कारण मैंने और मेरी पत्नी ने, दोनों ने ट्यूशन लेना चालू किया। ट्यूशन के साथ साथ हम कुछ गरीब बच्चों को बिना फीस लिए भी पढ़ाते थे। इसी प्रकार हमारा चलता रहा। इस सब के साथ परमेश्वर में हमारा दृढ़ विश्वास बना रहा। पारिवारिक प्रार्थना में हमेशा लगे रहते थे और इसी प्रार्थना के कारण आज हम यहाँ ये सब कुछ करने में समर्थ हुए। इस सब में मुझे बाइबल का वो वृतांत याद आता है जिसमें अय्यूब, जोब के बारे में लिखा गया है। जोब ने कितनी तकलीफें सही, ईश्वर ने
उसको फिर भी आशीर्वाद दिया, उसने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा। उसी प्रकार मैं भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ता हूँ। ईश्वर की आशीष मुझ पर बनी हुई है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। आज मेरा स्कूल 10वीं क्लास तक चल रहा है, उसमें मेरे स्कूल से निकले हुए बच्चे, आज हजारों बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट पे विदेशों में और कई बड़ी बड़ी कंपनियों में काम नौकरी कर रहे हैं। मेरे बच्चे अच्छी पोजीशन पे हैं, मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई है, मेरा बेटा पढ़ लिख कर अब मेरा स्कूल संभाल रहा है। इन सब चीज़ों के लिए मैं जो आशीष ईश्वर ने दी है उसके लिए बार बार कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर को देता हूँ। चाहे हम कितने भी बिजी हों, चाहे इतना भी व्यस्त हों, लेकिन हमें ईश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी खूबसूरत कहानी है रिबेका क्रिस्टोफर की, कि कैसे वो चुनौती का सामना किए लेकिन फिर भी छोटे में वो विश्वासु रहे और आज प्रभु ने उन्हें एक प्रिंसिपल बनाया है और उनकी स्कूल भी कितनी तरक्की कर रही है और आज वो कितना सीना तान कर और प्रभु को आभार जानकर कह रहे हैं कि आज उनके स्कूल से निकले हुए बच्चे देश विदेश में छा गए हैं। जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस उन्होंने हार नहीं मानी, वो पीछे नहीं हटे। अक्सर हम निराश हो जाते हैं पर क्योंकि परमेश्वर का हाथ उन्होंने थामा हुआ था इसलिए वो निराश नहीं हुए और आज उन्होंने कितनी सारी आशीष अपने जीवन में पाई हैं और उनके जीवन के द्वारा कितने सारे बच्चे और लोग आशीष पा रहे हैं। यस दोस्तों, जब हम विश्वास योग्यता के ऊपर बात कर रहे हैं इस पूरे महीने, तो क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये विषय जो है ये शास्त्र में बहुत ही अहम तरीके से इसे देखा जाता है। कई सारे जगहों पर शास्त्र विश्वास और विश्वासुपन पर हमसे बातें करता है, इतना तक कि एक पूरा अध्याय है इब्रानियों 11 जो विश्वास के लिए एक तरीके से समर्पित किया गया है, जिसमें हम कहानियां पढ़ते हैं ऐसे स्त्री और पुरुषों की जो बहुत सामान्य लोग थे। ये कोई हर कोई राजा इसमें नहीं था या कोई प्रधान नहीं था, ये मामूली लोग थे आप और मेरे जैसे, लेकिन इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को और बुलावट को बड़ी गंभीरता से ली और एक खास बात इन सब में है वो है ये छोटे में विश्वासु थे। जो परमेश्वर ने इन्हें सौंपा था उसमें वो विश्वासु थे और इसलिए परमेश्वर ने इन्हें अधिक जिम्मेदारियां सौंपी जिसमें वो फिर विश्वासु करके खरे उतरे और इसलिए आज उनका नाम इब्रानियों 11 में है, जिसे हम हॉल ऑफ फेथ भी कहते हैं, यानी कि विश्वासियों का वो एक ऐसा समूह है और उसे देखकर हमें प्रेरणा पानी है। यीशु मसीह ने लूका में अपने सुनने वालों से कहा कि जो थोड़े में विश्वासु रहेगा वो अधिक में भी विश्वासु रहेगा और जो थोड़े में विश्वासु नहीं रहेगा उसे ज़्यादा भी नहीं सौंपा जाएगा। देखिए उस वचन को देखते हैं लूका 16 अध्याय 10वां वचन, Luke 16:10 says, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। दोस्तों, चाहे आत्मिक धन है या सांसारिक धन है या सामग्री है या अलग अलग साधन है जो परमेश्वर हमें देता है, एक चीज जो परमेश्वर अक्सर देखता है वो है इन सारे चीजों के साथ जो प्रभु ने हमें सौंपा है, चाहे बुलावट है, चाहे सेविका है, चाहे अपने बच्चे हैं, घर बार है या नौकरी है, कामकाज है, इन सब के प्रति क्या आप विश्वासु हैं? अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो एक राज मैं आपको बताता हूं, जो प्रभु ने आपको दिया है उसके प्रति आप विश्वास योग्य रहिए और फिर देखिए परमेश्वर आपको और जो भी आपको सौंपा है उसे बढ़ाएगा, उसे फलवंत करेगा। जी बिल्कुल, अक्सर हम सोचते हैं कि जो हमारे पास है वो बहुत थोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसका हम धन्यवाद करें और उसमें हम विश्वसनीय बने। दोस्तों, ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना में मदद चाहते हैं तो हम आपकी सहायता करना चाहेंगे प्रार्थना में। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारी CBN प्रेयर लाइन पर, हमारा नंबर है 9904010010। यस दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक और खूबसूरत गवाही को भी सुनने वाले हैं और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस। Let my people go. I'm
It was fun. The expression on their face, and they were so cute. Kids, the Superbook Fancy Dress Competition is back. December 4th को हमारा Superbook Fancy Dress Competition होने वाला है online. तो आप चाहे जहाँ भी है देश में, wherever you are in the country, you can participate. और register करने के लिए आप cbnindia.org पे जाके register कीजिए. हमारे जितने भी winners हैं, उनको मिलेगा बहुत सारे gifts. और जितने लोग participate करेंगे, उनको मिलेगा a participation certificate and an e-comic. आज ही register कीजिए. जल्दी जाइए, अपने पेरेंट्स को बोलिए आपको रजिस्टर करना है सुपरबुक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए. आई होप टू सी यू ऑल देयर. बाय. वेलकम बैक दोस्तों. एक नई जिंदगी में प्रार्थना के समय में हम आपका स्वागत करते हैं. हम मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि हम सब अपने अपने कार्यों में, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में विश्वास योग्य बने, क्योंकि प्रार्थना बहुत ज़रूरी है. अपने सामर्थ्य में हम ऐसा नहीं कर सकते, परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसके सामर्थ्य से हम भी अपने जीवन में विश्वास योग्य बन सकते हैं. बिल्कुल दोस्तों, हम समझ सकते हैं कठिन दौर से हम सब गुजर रहे हैं और मौजूदा हालात में आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास रखें, अपनी नज़रें परमेश्वर की ओर लगाए रखें प्रार्थना में और विश्वास में, और यकीनन परमेश्वर हमें छुड़ाएगा और अपनी आशीष हम पर बरसाएगा. आइए दोस्तों, इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करें. पढ़े आज की पहली रिक्वेस्ट. ये हमें भेजी है आरती लोकापुर ने और ये कह रही है, मैं प्राथमिकता के आधार पर अपनी प्रमोशन या ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए प्रार्थना अनुरोध करना चाहती हूँ. कृपया प्रार्थना करें कि मेरे मैनेजर्स या मैनेजमेंट के लोगों का हृदय और विचार प्रक्रिया बदल जाए और वो मेरा समर्थन और सहयोग करें. आरती जी, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे, पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि प्रमोशन कम्स नीदर फ्रॉम द ईस्ट और द वेस्ट बट फ्रॉम द लॉर्ड. परमेश्वर है जो हमें प्रमोशन देता है. हो सकता है कि लोग आपके काम को नज़रअंदाज कर रहे हों, नहीं देख रहे हों आपकी मेहनत को, लेकिन परमेश्वर है जो देख रहा है, उससे कुछ नहीं छुपा है और सही समय में वो आपके जीवन में आशीष ज़रूर लेकर के आएगा. इस इंतज़ार का भी, इसके इंतज़ार के पीछे भी कोई अच्छी कारण छिपे हुए हैं जो सही समय में आपको पता चलेंगे. तो आइए हम इस समय आपके लिए प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर, हम आरती जी के लिए प्रार्थना करते हैं. हम धन्यवाद करते हैं जो काम आपने उन्हें दिया है, जैसे वो मेहनत से करती हैं, और हम मांगते हैं कि जैसे उनके मन में ये इच्छा है कि उनके मैनेजर्स उनके काम को पहचानें, उनकी मेहनत को पहचानें और उन्हें प्रमोशन मिले, इस इच्छा को हम आपके पास लेकर आते हैं और मांगते हैं कि आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो. आप जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और आप जो कुछ भी करते हैं उसमें भलाई होती है. इसलिए हम मांगते हैं कि आप उन्हें वो तसल्ली दे, वो शांति दे, वो आनंद दे जिसकी उन्हें ज़रूरत है, और मांगते हैं कि जो कुछ भी उनके जीवन में हो उसमें से भलाई उत्पन्न हो और आपके नाम की महिमा हो. ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं. आप सुने और कबूल करें. आमीन. 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 अगला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें एंथनी अगस्टिन डायस ने भेजा है, और एंथनी कह रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से मेरा बिजनेस बंद हो गया है, मेरे पास कोई काम नहीं और आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही है. ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं. कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए. एंथनी, हम समझ सकते हैं कितनी मुश्किल हालात में आप हैं और हमारी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, क्योंकि जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा है जो परमेश्वर खोलता है, और शास्त्र कहता है जिस दरवाजे को परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता. तो आप परमेश्वर के दरवाजे पर दस्तक दीजिए, वो यकीनन आपकी सुनेगा. आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं. स्वर्गीय पिता, हम भाई एंथनी के लिए प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं उनके मुश्किल हालात में तू अपना सामर्थ्य दिखाएगा प्रभु, एक सही दरवाज़ा उनके लिए खोल प्रभु. हम जानते हैं प्रभु, जो तुझ पर भरोसा करते हैं, जो तेरा दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो निराश नहीं लौटते. तू उनके लिए एक सही द्वार खोलेगा जिनसे उनके कारोबार में उन्हें तरक्की मिलेगी और कामयाबी मिलेगी और आशीष आएगी उनके और उनके परिवारजनों पर. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं. आमेन. आमेन. आइए दोस्तों, आप पढ़े हमारी अगली रिक्वेस्ट जो हमें भेजी है शेखर कुमार ने, और ये कह रही हैं, लॉकडाउन की वजह से मैं बेरोजगार हो गया हूँ
मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, हम बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। शिखर जी, ज़रूर हम आपके लिए समय प्रार्थना करना चाहेंगे, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम शिखर जी के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। हम मांगते हैं कि आप उन्हें एक अच्छी सी नौकरी दिलवाएं। हम मांगते हैं कि जो भी उनकी ज़रूरतें हैं इस समय, वो आप अपने सामर्थ्य में आप पूरी करें। आपके लिए सब कुछ संभव है पिता परमेश्वर। हम उनकी हर ज़रूरत को, उनकी आर्थिक तंगी को, उनकी नौकरी की ज़रूरत को आपके पास लाते हैं, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आप सुने और कबूल करें, आमीन। आमीन, आमीन। दोस्तों, शायद आपकी भी कोई ज़रूरत होगी, हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे। हम ये भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि हम सब विश्वास में बढ़े, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो थोड़ा है उसमें हम विश्वासु हो। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरी ओर से हमेशा अच्छी और भली चीज़ें आती हैं, क्योंकि तू एक अच्छा पिता है जो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानता है। प्रभु, जो तूने हमें सौंपा है उसके प्रति हम विश्वासु रहे। प्रभु, जो भी हमारे प्रिय दर्शक है इस समय हमें देख रहे हैं, उनके जीवन में अगर जो भी कमी घटी है उन सबको तू पूरा कर प्रभु, क्योंकि तू वादा करता है कि हमारी ज़रूरतों में तू हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमें यकीन है तुझ पर प्रभु कि तू हमें निराश नहीं करेगा, तेरे आशीषों के भंडारों को तू खोलेगा, और जैसे तूने इसराइलियों पर स्वर्ग से मन्ना बरसाया था वैसे हमारी ज़रूरतें भी तू पूरी करेगा प्रभु, क्योंकि तू कल था, है और हमेशा विश्वास योग्य रहेगा, ये हमारा यकीन है प्रभु। सारी महिमा सारा गौरव तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, परमेश्वर की ओर देखें, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आज हम बॉबी राव से मिलेंगे, उनके जीवन की सच्ची कहानी जानेंगे और साथ ही परमेश्वर के वचन को भी देखेंगे। सो डू स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, सौंपा है, उसके प्रति हमें विश्वासु रहना है। रिबेका, जब हम थोड़े में विश्वासु रहते हैं तब परमेश्वर हमें वादा करता है कि वो हमें अधिक देगा, लेकिन हम अगर थोड़े में विश्वासु नहीं हैं तो अधिक हमारे हिस्से नहीं आएगा, ये भी शास्त्र में साफ लिखा है। दोस्तों, आइए इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ें, और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बॉबी राव से, जो ग्लोबल लीडरशिप समिट में मीडिया टीम को हेड कर रहे हैं। एक समय था जब इनके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस थे, चुनौतियां थी। एक ऐसा भी समय आया जब ये अपने कार्य क्षेत्र में सत्य के लिए खड़े हुए, और सत्य के लिए खड़े होने की वजह से इन्हें अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ा। लेकिन आज परमेश्वर ने इन्हें बहुत आशीषित किया है, और इनके द्वारा भी परमेश्वर लोगों को आशीषित कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करें और इनके जीवन से हम सब प्रेरणा पाएं। मेरा नाम बॉबी राव है और मैं GLS इंडिया ग्लोबल लीडरशिप समिट इंडिया में काम करता हूं, और मैं देश के लिए बतौर प्रोड्यूसर काम करता हूं। मेरा सबसे बड़ा संघर्ष मेरी पहचान थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी ताकत क्या है, मुझे सिर्फ मुझमें कमियां ही दिखाई देती और महसूस होती थीं। इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, और इसके कारण मुझे कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। इन असफलताओं ने मेरे अंदर एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया, मैं क्या करूंगा, मैं किस ओर जा रहा हूं। लेकिन इन सवालों के साथ साथ मेरे अंदर एक ये सवाल भी खड़ा होने लगा कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, और ये चीज़ मुझे परमेश्वर की खोज की ओर ले गई। मेरे कुछ दोस्त थे जो चर्च जाते थे, तो उन्होंने मुझे एक बाइबल गिफ्ट की और मैं और पढ़ने लगा। मेरे जीवन में जो सबसे पहली चीज़ हुई वो थी मेरा चलना,
और मैं प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने लगा। मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उस समय मैंने सोचा कि हाँ, अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मुझे मेरी पहचान मिलने लगी है। मेरे करियर की शुरुआत एक सेल्स पर्सन के रूप में हुई। मोबाइल फोन से पहले पेजर हुआ करते थे। ये पेजर्स सिंगल लाइन डबल पेजर्स होते थे, तो हमें एक दिन में लगभग 10 पेजर बेचने होते थे। हमें ये टारगेट दिया जाता था, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल होता था। और हफ्ते के आखिर में हमें एक सेल्स रिपोर्ट देनी होती थी, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होती थी। और मैं रिपोर्ट में वो नहीं लिखना चाहता था जो मैंने खुद से सेल ना किया हो। बाद में मुझे एक मिनिस्ट्री ने बुलाया और कहा कि मैं उनकी किताबें, बाइबल और म्यूजिक को सेल करूं। अब भी मैं सेल्स लाइन में ही था, अपनी फील्ड में, लेकिन प्रोडक्ट्स अलग थे। मुझे लगा ये काम ज्यादा रोमांचक है। हालांकि ये रोमांचक था, लेकिन आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ मुझे कई वेंडर्स, कई अलग अलग सप्लायर्स के साथ काम करना पड़ता था। और इनमें से कई सप्लायर्स दूसरे बैकग्राउंड से होते थे और उनकी अपनी प्रैक्टिसेस होती थी। वो अपने तरीकों से हमें खुश करने की कोशिश करते थे। उन्हें ये बताना बहुत मुश्किल होता था कि हम उनके जैसा नहीं सोचते, हम उनकी प्रैक्टिस के अनुसार नहीं चलते। कारण ये है कि हमें उस पवित्र परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया गया है और हमें पूरी पवित्रता के साथ परमेश्वर की सेवा करनी है। और इसीलिए सभी सर्विस प्रोवाइडर्स और वेंडर्स के लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए भी, अगर हम ही सही मिसाल ना पेश कर पाएं तो कैसे चलेगा। बेशक ये काम आसान नहीं था, लेकिन हाँ, हर लेवल पर और हर कदम पर परमेश्वर ने मुझे इस काम को करने के लिए बहुत हिम्मत दी। खैर, तो आज मैं यहाँ हूँ भारत में, JLS ग्लोबल लीडरशिप समिट के प्रोडक्शन वर्क को लीड कर रहा हूँ और देश भर में इतने सारे प्रोड्यूसर्स से बात करता हूँ, उनके साथ डील करता हूँ, उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करता हूँ और एक ऐसा बेहतरीन कंटेंट लाना जिससे लीडर्स का जीवन निर्माण हो, हर एक व्यक्ति का जीवन निर्माण हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण हो। परमेश्वर के काम में शामिल होना वाकई गर्व की बात है। पहला इतिहास अध्याय 29 की 17वीं आयत कहती है कि परमेश्वर ईमानदारी वाले हृदय जांचता है और वो उससे प्रसन्न होता है। और ये वचन मेरे अंदर बहुत गहराई से समाया हुआ है। इसीलिए हम में से हर एक के लिए ये जरूरी है कि हम ईमानदारी का जीवन जिए, न केवल अपने कामों में, न केवल परिवारों में, बल्कि दोस्ती में भी, या हम जहाँ भी होते हों। भले ही हम चर्च में कोई छोटा सा काम कर रहे हों, पर उसे पूरी ईमानदारी से करें। वाओ रिबेका, कितनी प्रेरणाजनक कहानी है बॉबी जी की। और हम देखते हैं कैसे वो विश्वास योग्य तरीके से खड़े रहे और परमेश्वर ने उनके लिए सही दरवाजों को खोला और आज वो दूसरों के जीवन में आशीष लेकर आ रहे। दोस्तों, परमेश्वर ऐसा ही हमारा भी इस्तेमाल करना चाहता है। जब हम थोड़े में विश्वासु है, वो हमें बहुत अधिक देगा। जी बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि इस प्रोग्राम के द्वारा आप सब आशीष पाएं, प्रेरणा पाएं और विश्वास योग्य रहें अपने कार्य क्षेत्रों में, अपनी जिम्मेदारियों में, और ऐसा करें ताकि आप परमेश्वर का नाम ऊंचा हो आप लोगों के जीवन से। दोस्तों, अब समय है कि हम आगे बढ़ें और देखें कि आज परमेश्वर का सत्य वचन हमें क्या कहना चाहता है। दोस्तों, क्या हम सब ये सुनना नहीं चाहेंगे? परमेश्वर हमसे कहे, शाबाश अच्छे और भले सेवक। और ये तब मुमकिन होगा दोस्तों, जब हम थोड़े में विश्वास योग्यता दिखाए। तब वो दिन आएगा जब हम भी यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे और वो हमसे कहेगा शाबाश। रिबेका, मैं तो उस दिन के इंतज़ार में जी रहा हूँ। जी बिल्कुल राहुल, इनफैक्ट मैं सोच रही थी कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे सांसारिक बॉसेस हमें कहते हैं वेल डन, तो सोचिए जब परमेश्वर हमें कहेंगे वेल डन दाउ गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, तो कितना अच्छा लगेगा हमें।
बिल्कुल दोस्तों, आइए आज एक संकल्प करते हैं कि जो भी प्रभु ने हमें सौंपा है उसके प्रति हम विश्वास योग्य रहेंगे, चाहे वो अधिक है चाहे वो थोड़ा है, क्योंकि जब थोड़े में हम विश्वास योग्य रहेंगे तब परमेश्वर हमें अधिक देने का वादा करता है। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर आज के इस प्रोग्राम ने आपको आशीष दी है, अगर एक नई जिंदगी से आप आशीष पा रहे हैं और दूसरों तक इसे पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे सहभागी ज़रूर बने। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/sponsorship। यहाँ जाकर के आप अपनी सहभागिता हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यस दोस्तों, अब हमारे जाने का वक्त हुआ है, लेकिन इस वादे के साथ कि हम कल सुबह दोबारा आपसे रूबरू होंगे। दोस्तों जाते जाते ये गीत हम आपके लेकर आए हैं, माफ़ कर दे, जो जोसेफ ब्रदर्स एंड क्रू के द्वारा है और जिसे गा रहे हैं इमैनुअल जोसेफ। ये इनके जीवन की कहानी है जो ये हमारे साथ शेयर कर रही है इस गीत के द्वारा। और जब आप इस गीत को सुनेंगे तो आप ही अपने आप को इस के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हम सब के जीवन में कमी घटियाँ हैं, आज हम मिलकर इस गीत के साथ परमेश्वर से माफ़ी मांगे अपनी सब कमियों के लिए, घटियों के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस गीत से आप आशीष पाएंगे। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। शायद कई बार इंसान के लिए ये मानना सबसे कठिन हो जाता है कि वो गलत है। हाँ, पर मैंने माना कि मुझे मेरे पिता के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है, पर उससे बात करना थोड़ा कम शायद कठिन है। ये मेरी दुआ है, ये मेरी माफी है। माफ कर दे अपने बेटे को, माफ कर दे अपने बेटे को, माफ कर दे अपने बेटे को। हर पल तेरे साथ पर एक पल नहीं है देने को। माफ कर दे अपने बेटे को, माफ कर दे अपने बेटे को, माफ कर दे अपने बेटे को। हर पल तेरे साथ पर एक पल नहीं है देने को। माफ कर दे अपने बेटे को, माफ कर दे अपने बेटे को, माफ कर दे अपने बेटे को। हर पल तेरे साथ पर एक पल नहीं है देने को। आज मैं रो रहा हो रहा, जीते जी मैं सो रहा, अपनी गंदगी को अपने आंसुओं से धो रहा, दोस्तों की भीड़ में मैं सिर्फ अकेला हो रहा। मिलेगा फल कैसे जब मैं कांटे ही तो बो रहा। छोटा भाई सा चल रहा है, म्यूजिक सीन बदल रहा है, नाम अपना बन रहा है, हर सिटी में चल रहा है, JBC की एंट्री पे शोर कैसा बढ़ रहा है। क्या फायदा इन सब से जब बेटा बाप से बिछड़ रहा है। आज भी टेम्प्ट होता फैंस सेल्फी लेने आए, ये गुस्सा का जलन मुझे आज भी सताएं। ये नौकरी जॉब पैसा मुझे हर रात रुलाएं, मोबाइल स्क्रीन से मेरी हर रात बाप खटखटाए। मैं बातें तेरी करता तुझसे बातें नहीं करता हूँ, मैं इतना कमजोर हूँ तेरे पास आने से डरता हूँ। तू ही ना हो साथ तो मैं किसके लिए करता हूँ। स्टेज लाइट्स नाम तेरे चरणों पे ही रखता हूँ, स्टेज लाइट्स नाम तेरे चरणों पे, ये स्टेज लाइट्स नाम तेरे चरणों पे, ये स्टेज लाइट्स नाम तेरे चरणों पे, ये स्टेज लाइट्स नाम तेरे चरणों पे। बेटे को माफ कर दे अपने बेटे को, माफ कर दे अपने बेटे को। हर पल तेरे साथ पर एक पल नहीं है देने को। माफ कर दे अपने बेटे को, माफ कर दे अपने बेटे को, माफ कर दे अपने बेटे को। सासे गम से कम मुझ में बचा दम नहीं, नाम तेरा आगे जीने का सही ढंग नहीं। इंस्टा तो लिट है, जिंदगी में कोई रंग नहीं, इस पाप से जंग में तेरा बेटा हार ना जाए कहीं। दिल करना था खाली, ये गाना मैंने लिख दिया पिछले एक साल में। जिंदगी को ऐसे जिया, बिन तेरे में कुछ नहीं, इस बात को सीख लिया। सिर्फ स्टेज पे नहीं पर्सनल लाइफ को भी ठीक किया। सपने बहुत बड़े हैं, अभी जाना बहुत दूर है, अपनी कला पे नहीं तेरी रहमत पे गुरूर है। मजबूर हूँ मैं, गिर जाता हूँ जो बार बार, इस पापी को उठा के खड़ा करता तू जरूर है। तेरे बिन एक कदम मैं आगे ना बढ़ पाऊंगा, जो भाई मेरे खो गए उन्हें जाके बचाऊंगा। दुनिया ही काली तो कुछ राख बन जाऊंगा, चाहे मट्टी में मिल जाऊं तब भी तेरे लिए गाऊंगा, तब भी तेरे लिए गाऊंगा, तब भी तेरे लिए गाऊंगा, तब भी तेरे लिए गाऊं, चाहे मट्टी में मिल जाऊं तब भी तेरे लिए गाऊंगा, तब भी तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, मट्टी में मिल जाऊं तब भी तेरे लिए गाऊंगा।